नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कविता का सार या सारांश या केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जबकि दूसरे और तीसरे भाग में शब्दार्थ सहित सप्रसन्न अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए अब मैं हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता का सार या सारांश या केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता का सार या सारांश या केंद्रीय भाव या मूल भाव। आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रप्रेमी कवियों में श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये पूर्व छायावाद युग के एक लोकप्रिय कवि थे। स्वदेश प्रेम इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है जो स्वप्न नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है। यह कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर भारत के अतीत का गौरव गान किया है, वहीं दूसरी ओर आज की युवा पीढ़ी में देश प्रेम के भाव को जगाकर देश के लिए अपना तन मन और धन समर्पित करने के लिए आह्वान भी किया है। भारतवर्ष एक महान देश है जिसकी सांस्कृतिक परंपराएं महान है। हमारे पूर्वज बड़े ही महान थे। वे बड़े ही वीर बहादुर साहसी देशभक्त तथा एक पराक्रमी योद्धा थे। पूर्वजों की गौरव गाथा को सुनाने के लिए प्रकृति साक्षी के रूप में हमारे बीच मौजूद है, अर्थात पूर्वजों की गौरव गाथा का साक्षी स्वयं सूर्य चंद्रमा हिमालय पर्वत समुद्र एवं नदियां हैं। उनमें सूर्य के समान तेज था। वे चंद्रमा की चांदनी के समान प्रतिभामान थे और उनका यश तथा वैभव आकाश में चमचमाते हुए तारों के समान था। उनकी विजय की गाथा सर्वत्र फैले हुए थे और अभी तक गूंज भी रहे हैं। यही नहीं, हिमालय पर्वत समुद्र एवं नदियां भी पूर्वजों की गौरव गाथा को सुनाने के लिए आज साक्षी के रूप में मौजूद हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान है, क्योंकि भारत भूमि एक स्वर्ग के समान है और समस्त पृथ्वी में भारतवर्ष सर्वोच्च मानी जाती है तथा हर प्रकार का सुख प्रदान करती है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य है कि सदैव
इसकी उन्नति एवं रक्षा के लिए काम करें। अतः हमें अपने देश के प्रति अनुराग रखना चाहिए, अर्थात हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है तथा जिसका अन्न जल ग्रहण कर मिट्टी में लोटपोट कर हम बड़े हुए हैं, क्या हम जीते जी उस मातृभूमि को यानी भारत माँ को यूं ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, अर्थात हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने देश के प्रति अनुराग रखना चाहिए तथा अपना सिर ऊंचा करते हुए स्वाभिमान के साथ जीवन यापन निडर होकर करना चाहिए। आत्मा तो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता है, इसीलिए हमें मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए। जब तक यह शरीर है तथा उसमें प्राण है, तब तक हमें किसी के सामने हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुसीबतों का सामना डटकर करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए यदि अपने प्राणों को न्योछावर भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मृत्यु तो केवल एक विश्राम स्थल है, इसीलिए निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। आत्मा तो अमर है, आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहती है और नए वस्त्रों के समान नए शरीर को धारण करती है, अर्थात हमें मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहां से मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन को धारण करता है। इसीलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और सर्वस्व देश पर बलिदान कर देना चाहिए। अतः स्वदेश प्रेम इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर भारत के अतीत का गौरव गान किया है, वहीं दूसरी ओर आज की युवा पीढ़ी में देश प्रेम के भाव को जगाकर देश के लिए अपना तन मन और धन समर्पित करने के लिए आह्वान भी किया है। अतः हे मनुष्य, तुम्हें निर्भय होकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देश के लिए मर मिटना एक गौरव की बात होती है, यही इस कविता का केंद्रीय भाव है, यही इस कविता का मूल भाव है। आइए अब मैं राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश या केंद्रीय भाव बतलाने के बाद अब मैं इस कविता का उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश। आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्र प्रेमी कवियों में श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये पूर्व छायावाद
युग के एक प्रमुख कवि थे। स्वदेश प्रेम इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है जो स्वप्न नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है। यह कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर भारतवर्ष के अतीत का गौरवगान करना है, वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी को अपने देश के लिए तन मन और धन समर्पित करने के लिए प्रेरणा देना भी है। कवि के अनुसार भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो कई कारणों से महान है। यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति अत्यंत ही निराली है। यहाँ कण कण में वीरता, यश, धीरता, वैभव तथा समृद्धि इतनी अधिक फैली हुई है कि सारा विश्व इसका गुणगान करता है। भारतीयों के अतुल शौर्य का साक्षी स्वयं प्रकृति है। पूर्वजों की गौरव गाथा को सुनाने के लिए प्रकृति साक्षी के रूप में हमारे बीच मौजूद है। अर्थात पूर्वजों की गौरव गाथा का साक्षी स्वयं सूर्य, चंद्रमा, हिमालय पर्वत, समुद्र एवं नदियां हैं। अतः आज के युवा वर्ग का प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखते हुए और वीरता को अपनाते हुए देश हित का सदैव ध्यान रखे। सच्चा प्रेम त्याग पर ही आधारित होता है। इसीलिए प्रत्येक देशवासियों को देश के प्रति प्रेम भाव निभाने के लिए हर प्रकार के त्याग के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। आत्मा तो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहती है और नए वस्त्रों के समान नए शरीर को धारण करती है। अंत में कवि देश प्रेम को सर्वोपरि मानकर देशवासियों को देश के लिए पुनः त्याग और बलिदान पर जोर देकर कहता है कि सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हमें प्रसन्नता पूर्वक कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन होता है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसीलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम अति आवश्यक है। अतः हे मनुष्य, तुम्हें निर्भय होकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देश के लिए मर मिटना एक गौरव की बात होती है। अतः स्वदेश प्रेम इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य भारत के अतीत का गौरवपूर्ण इतिहास को चित्रित कर देशवासियों में देश प्रेम की भावना को जगाना है। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। यही इस कविता का प्रमुख संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एडुकेशनल वीडियो है। यह एक
एडुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों को सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।